गाइज आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं राखी, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज 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 आज हम बात करने वाले हैं प्यारी सी उर्फी जावेद के बारे में। और क्या बोला तूने? अरे हाँ भाई हाँ, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। लड़के के बारे में बात करेंगे जो परफेक्ट नकल करता है उर्फी जावेद का, और उसकी जो नकल एक लड़का करता है ना, वो शायद उत्तराखंड का है, हमें तो नहीं पता, पर आप वीडियो में देख सकते हो गाइस। हेलो मैम, उर्फी मैम, उर्फी मैम प्लीज फोटो प्लीज एक पोज दीजिए। मैं तो धान के कपड़ा पहन के आओ। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? किसने कहा अभी? आप धान से कपड़ा नहीं पहन के आते, धान से कपड़ा पहन के आओ। माय फैशन नो क्वेश्चन। अपना बीबी को कहो, अपना गर्लफ्रेंड लोगों को कहो, धान से कपड़ा पहन के आओ। आज माय फैशन नो क्वेश्चन। उर्फी जावेद हूँ मैं, मुझे कोई ट्रोल नहीं कर सकता। ढंग के कपड़े पहन के आ जाओ, मेरा मर्जी है। नो यार गाइस, आई डोंट लाइक इट, प्लीज। अरे प्लीज मैम रुक जाइए, मैम प्लीज मैम एक फोटो, ये लोग को इग्नोर कीजिए मैम। अब मैम प्लीज मैम रुकिए मैम। एक पुराना वीडियो है जिसमें इसने उर्फी जावेद के लिए कुछ बोल रखा है, इसने बोल रखा है कपड़े नहीं है तो उर्फी जावेद मैं तुझे दे सकता हूँ। उर्फी जी के लिए तो मैं क्या कहूँगा, जगह में ही उर्फी, तो वो तो अपना जगह में ही उर्फी उर्फी है, उड़ रहा है। और आशा करता हूँ कि वो पूरा मुंबई में, पूरा रास्ते किनारे में ऐसा कपड़ा ना पहने वो। तो मैं कहना चाहूंगी इस छोरे का उर्फी जावेद के कारण ये इतना प्रॉपर हुआ है, और जैसे वो कपड़ा पहनती है ऐसे ये कुछ कुछ पत्ते उत्ते लपेट के ऐसा ये वीडियो बनाता है गाइस लोग, ठीक है। और इसने जब ये उसी के बदौलत इतना फैन फॉलोइंग इसके हो चुका है तो उसके बारे में इतना बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। और उर्फी जावेद ने, सुनो सुनो, उर्फी जावेद ने ना इस पे निशाना साधते हुए, कहते हैं ना सबका वक्त आता है, तो ऐसे ही फैशन शो की जज बन गई उर्फी जावेद है ना, तो वो गई थी वहां पर। तो मुझे उधार देंगे कपड़े खरीदने के लिए है ना? तो वो लोग मुझे कहने के लिए बोला था इसलिए मैंने वो कहा था। नहीं तो आपके खुद का दिमाग नहीं है, कोई आपको कुछ भी बोलेगा बोल तो मैंने आपको सॉरी भी मांगा उसके लिए। उसके बाद सॉरी बोलने के बाद आपने क्या बोला मुझसे? ऐसे सॉरी बोला जाता है? मैंने तो आपको माफी मांगा है। नहीं माफी ऐसे नहीं मांगते, क्या उर्फी तू ज्यादा उड़ रहा है ना। मैंने तुम्हें मैसेज दिया, तूने सीन किया, फिर भी तू मुझे अभी मेरा वीडियो पे आना सनाप कमेंट कर रहा है। करारा जवाब मिलेगा, तू रुक। अभी मैं गाड़ी पे हूँ, अभी मेरा ड्राइवर गया है एटीएम से पैसा निकालने के लिए, घर मुझे पॉज लेने दे। उसका बाद ड्राइवर था यहाँ पे इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला, वीडियो नहीं बनाया। ज्यादा तू उड़ रहा है ना, बताता हूँ तुझे, रुको घर पे जाके तुझे बताता हूँ तू क्या सोचता है मुझे। हाँ बाय बाय टाटा गुड बाय गया गाइस, ये वीडियो यही खत्म करते हैं। और आप लोग उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय गुड बाय। मैं खाली इतना ही कहना चाहूंगी गाइस, इसमें बुरा भला कुछ भी नहीं है, किसी को उर्फी भी करती है अपने मन की करनी चाहिए सबको, पर कुछ लोग ट्रोल भी करते हैं, कुछ पसंद भी उसको करते हैं, तो इसके लिए ना कोई मतलब कि गलत शब्द यूज नहीं करना चाहिए।